वेलकम टू चांस एजुकेशन। चांस एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड रिंग द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ स्टेप ड्राइंग। और हम स्टेप ड्राइंग से क्या बनाएंगे? याच। यस, याच कहाँ चलती है? पानी में। तो अब हम याच बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो याच बनाने के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, हम वो देखते हैं। आपको एक शीट चाहिए जिस पे आप याच ड्रॉ करोगे। फिर आपको एक पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए और कुछ कलर्स चाहिए। तो ये है हमारा मटेरियल जो हमें याच बनाने के लिए, स्ट्रेट ड्राइंग के लिए यूज होगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम याच बनाएंगे। तो अब हम अपनी स्टेप ड्राइंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप वन से शुरू करेंगे। तो स्टेप वन में आपको क्या बनाना है? एक वन। आपको स्टेप वन में अभी सिर्फ एक वन ही बनाना है। अब हम स्टेप टू बनाएंगे। तो आपको अब स्टेप टू में क्या करना है? याच का बॉटम बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है बॉटम के लिए और फिर थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन इसके साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से ड्रॉ करनी है। और बॉटम में आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे, हम यहाँ पे वाटर लेयर बना देंगे। तो हमने स्टेप टू में बॉटम याच का बॉटम पार्ट बना लिया है। अब हम स्टेप थ्री ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप थ्री में हम याच का बिग फ्लैग बनाएंगे। आपको वन के टॉप से एक कर्व लाइन निकालनी है और याच के लेफ्ट में आपको उससे जॉइन करना है। फिर उस ही पॉइंट से आपको एक स्मॉल कर्व निकालना है और वन के बॉटम में टच करना है। उसके बाद आपको वन के टॉप से फिर से एक स्ट्रेट कर्व लाइन, थोड़ी सी कर्व होगी वो, निकालनी है और इस कर्व के मिडल में आपको वो टच करना है। तो अब हम स्टेप फोर बनाएंगे। तो स्टेप फोर में हम स्मॉल फ्लैग बनाएंगे, याच का स्मॉल फ्लैग ड्रॉ करेंगे। एट द टॉप आपको एक वहां से स्मॉल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि याच का स्मॉल फ्लैग होगा। अब हम स्टेप फाइव ड्रॉ करेंगे। स्टेप फाइव में हम क्या बनाएंगे? फ्लैग को, फ्लैग में लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। हमने यहाँ तक ड्रॉ करा। अब हम ये वाले साइड के फ्लैग में लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे।
अब हम स्टेप 6 में क्या करेंगे? यार्ड्स को डेकोरेट। यस, तो अब आपको याच के बॉटम, जो हमने बॉटम पार्ट बनाया था उसका, उसे हम डेकोरेट करेंगे। हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब भी बना देंगे, लाइफ ट्यूब। और वाटर तो हमने पहले ड्रॉ कर ही दिया था। तो ये हमारी स्टेप ड्राइंग से जो हमने याच बनाई है अब वो रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसमें कलर करना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी कलर किट, आप देख सकते हैं इसमें सारे कलर्स हैं। तो अब हम कलर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लू कलर, जो कि हम वाटर में फिल करेंगे। आपको सबसे पहले जो भी आप ऑब्जेक्ट में कलर कर रहे हो उसकी आउटलाइन करनी है, ताकि उसमें कलर का ब्यूटीफुल लुक आए। देखिए, हमारे वाटर में कलर हो चुका है। अब हम फ्लैग में कलर करेंगे। तो फ्लैग के लिए मैं लूंगी ग्रीन कलर। और हम कभी भी इस साइड में कलर नहीं करते, तो याच में कभी भी इस साइड में कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो हम इस वाली साइड में, अब हम याच के पर्दे में कलर करेंगे। पहले आपको हमेशा आउटलाइन करनी है जिस भी आप ऑब्जेक्ट में करें, जिससे आपका कलर जो है वो, अगर आप मिडल में करना लगेंगे तो आपका कलर जो है वो बाहर निकल जाएगा। हम पर्दे के हमेशा इसी साइड कलर करते हैं। ओके, तो हमारे पर्दे में कलर हो चुका है। अब हम फ्लैग में कलर करेंगे। और फ्लैग तो आप अपने मर्जी से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगी पर्पल कलर फ्लैग में। तो ये हमारा कलर हो चुका है फ्लैग में। अब हम बोर्ड की डेकोरेशन जो हमने बनाई थी उसमें कलर करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्यूब में कलर करेंगे जो हमने ड्रॉ की थी। तो रेड कलर हम ट्यूब में करेंगे। हमें एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक में करना है, तभी हमारा ट्यूब वाला इफेक्ट आएगा। तो हमारी ट्यूब भी रेडी हो चुकी है। अब हमें बोर्ड में कलर करना है, और उसके बाद हम इन डेकोरेशंस में भी करेंगे। तो पहले हम बोर्ड में येलो क्रेयन से कलर करेंगे। तो आप अपनी कलर किट से येलो कलर निकालिए, और सबसे पहले तो आप हमेशा आउटलाइन कीजिए। तो हमारा कलर हो चुका है, बट हमारी डेकोरेशन में अभी कलरिंग रह गई है। तो हम उसमें पिंक कलर करेंगे। मेरा फेवरेट तो पिंक कलर है। आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप अपनी याच में कर सकते हैं। सबसे पहले आउटलाइन, देन मिडल।
सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप जब भी आप अगर सीधा मिडल से शुरू करोगे तो आपका कलर बाहर निकल सकता है, इसलिए हमेशा हमें आउटलाइनिंग करनी चाहिए। तो ये हमारी याच पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, बट अभी भी इसमें एक कमी है आउटलाइनिंग की। तो हम अपना ब्लैक स्केच निकालेंगे और इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग से हमारी आर्च में एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। अब हमारी आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये आजकल स्टेप्स कैसे लगे और अच्छे लगे। तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।